नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बर्न कन्वेंशन, जो कि कॉपीराइट्स लॉ से डील करती है, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई और उसका कैसा क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। देखिए, इस बात को समझिए कि कॉपीराइट लॉ एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका आईपीसी या और कोई भी कानून। कॉपीराइट लॉ हमको बहुत तरीके से अफेक्ट करता है, इसलिए जो आपके दिमाग में आइडिया है कि वो एक स्पेशलाइज्ड लॉ है, हमारे काम का नहीं है, उसको आप बिल्कुल निकाल दीजिए अपने दिमाग से। मुझे ये बताने दीजिए आपको कि ये कॉपीराइट लॉ इतना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज है, इतनी चीजें हैं जिसमें हम अपनी सोसाइटी की तरफ, अपने भारत देश की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपना कैरियर भी एक अच्छा एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मेरा पर्पस इन लेक्चर्स को बनाने का बस इतना सा ही है कि मैं आपके सामने कॉपीराइट लॉ को इतनी सरल भाषा में, आसान भाषा में लेके आ सकूं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज का फायदा उठा सकें, जो कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। ज्यादातर चीजें जो कॉपीराइट लॉ के एरिया में है, वो या तो इंग्लिश में है या फिर वो इस तरीके से प्रेजेंट की गई है कि बहुत लिमिटेड है। 5 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो में नहीं समझा जा सकता कि कॉपीराइट लॉ क्या है। बस ये पढ़ लेना कि किसके क्या राइट्स होते हैं, वो कभी सफिशिएंट नहीं होता है। इसलिए अगर आपने मेरी पिछला वीडियो देखा है जो बर्न कन्वेंशन पे था, उसमें मैंने आपको बताया था कि बर्न कन्वेंशन से ये पूरी कहानी की शुरुआत हुई। ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉ सिस्टम का एक एस्टेब्लिशमेंट किया गया, बट उसमें काफी परेशानी थी, कुछ आगे पीछे भी चीजें थी, थोड़ी पॉलिटिक्स भी थी, तो उस सबको मैंने डिस्कस किया था। आज मैं इस लेक्चर में हमारी जो दूसरी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी है, कन्वेंशन है, रोम कन्वेंशन को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये रोम कन्वेंशन आई क्यों, बर्न कन्वेंशन होने के बाद रोम कन्वेंशन की जरूरत क्या पड़ी। मैंने आपको बताया था कि बर्न कन्वेंशन हमारी 1886 में अडॉप्ट की गई थी। काफी एफर्ट्स के बाद 10 मेंबर स्टेट, जो कि उसकी फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज हैं, उनके काफी एफर्ट्स लगाने के बाद एक वो ट्रीटी बनाई थी उन्होंने। फिर काफी लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, आज के समय पे शायद 170 या 180 लोग उसके मेंबर्स हैं, तो काफी सक्सेसफुल ट्रीटी है। फिर रोम कन्वेंशन की क्या जरूरत पड़ी, एक दूसरी ट्रीटी की क्या जरूरत पड़ी हमको, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। और इस बात को मैंने थोड़ा सा टच भी किया था अपने लास्ट लेक्चर में कि कुछ लोग थे, कुछ ग्रुप्स थे जिनको बर्न कन्वेंशन ने अपने परव्यू के अंदर इंक्लूड नहीं किया था। उसमें से मुख्य थे परफॉर्मर्स। परफॉर्मर्स ये वो लोग होते हैं जिनको हम रोज टीवी पे देखते हैं, हमारे एक्टर्स हैं, हमारे सिंगर्स हैं, तो ये सारे लोग परफॉर्मर्स होते हैं। इनको बर्न कन्वेंशन ने अपने परव्यू में नहीं रखा था। उसके पीछे काफी आर्ग्यूमेंट्स थे, हम उसको टैकल करेंगे। इनके अलावा ये जो ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो आप ब्रॉडकास्ट देखते हैं अपने टीवी पे, इनको भी बर्न कन्वेंशन के अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। और जो उस समय पे, अब 1961 में आया था रोम कन्वेंशन, तो फोनोग्राम प्रोड्यूसर, फोनोग्राम वो एक आप कैसेट की तरह समझ लीजिए, टेप की तरह समझ लीजिए, जिससे पुराने जमाने में साउंड प्रोड्यूस होती थी। हमारे टाइम पे तो बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, पेन ड्राइव आ गई है, ऑनलाइन म्यूजिक मिल जाता है, उस टाइम पे फोनोग्राम्स हुआ करते थे। तो उनके जो प्रोड्यूसर्स होते थे, फोनोग्राम्स के जो प्रोड्यूसर्स होते थे, उनको राइट्स ग्रांट करने के लिए, मेनली इन तीन ग्रुप्स को राइट ग्रांट करने के लिए रोम कन्वेंशन को दोस्तों लाया गया था। अब रोम कन्वेंशन का फायदा हुआ या नुकसान, वही हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो रोम कन्वेंशन की टाइमिंग है, ये जब आया है हमारे पास, उसकी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो रोम है, रोम कन्वेंशन, इसको मैं रोम लिखूंगा शॉर्ट में, ये 1961 में आया। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है, तो आप मेरे को कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा आपको समझ में आए। तो जी, अब मुझे लगता है आपको ब्लैक बोर्ड सही दिख रहा होगा, सीधा दिख रहा होगा। तो रोम कन्वेंशन जो है वो 1961 में आया, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बर्न कन्वेंशन कब आया था, 1886 में। तो लगभग लगभग 7 दशक बीत गए। इतना समय क्यों लगा, तो इसको समझेंगे पहले। देखिए, जो परफॉर्मर्स थे, देखो परफॉर्मर्स कौन होते हैं हमको पहले ये समझना चाहिए। देखिए, ये परफॉर्मर्स वो लोग होते हैं
जो एक्टिंग करते हैं उनको हम एक्टर्स बोल देते हैं, जो गाना गाते हैं उनको हम सिंगर्स बोल देते हैं, जो म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं उनको हम म्यूजिशियन बोल देते हैं, जो डांस करते हैं उनको हम डांसर बोल देते हैं। ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के परफॉर्मर्स हो सकते हैं। इनकी एक पहचान क्या होती है, ये हमेशा परफॉर्मेंस देते हैं। समझ रहे हैं आप, ये शब्द हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, परफॉर्मेंस। ये क्या करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। देखिए, परफॉर्मेंस को समझने का बहुत आसान तरीका है। परफॉर्मेंस के लिए तीन चीजों की हमको जरूरत होती है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमको चाहिए परफॉर्मर। परफॉर्मर तो चाहिए ही चाहिए। परफॉर्मर मतलब वो हमारा एक्टर भी हो सकता है, वो हमारा सिंगर भी हो सकता है, डांसर भी हो सकता है। दूसरा हमको कौन चाहिए, हमारी ऑडियंस। ऑडियंस मतलब जो लोग उस परफॉर्मेंस को देखने आए हैं या विटनेस कर रहे हैं, तो ऑडियंस होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियंस का होना। और तीसरा दोस्तों, सबसे ज्यादा ये जो दो लोग हैं, तीसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो दो लोग हैं, ये परफॉर्मर्स और ये ऑडियंस, इन दोनों में दोस्तों एक कनेक्ट होना चाहिए। मतलब जो परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है वो ऑडियंस तक पहुंच रहा है और उसकी वजह से उनके भिन्न भिन्न प्रकार के इमोशंस जाग रहे हैं, मतलब वो उससे इफेक्ट हो रहे हैं पॉजिटिवली और निगेटिवली, कुछ तो हलचल है। तो खाली किसी व्यक्ति का वहां पे मौजूद होना उसको ऑडियंस नहीं बनाता है दोस्तों, दोनों में कनेक्ट होना भी बहुत जरूरी है। तो कौन होते हैं दोस्तों परफॉर्मर, परफॉर्मेंस क्या होता है, जिस जहाँ पे परफॉर्मर होता है, जहाँ पे ऑडियंस होता है, दोनों के बीच में कनेक्ट होता है। तो ये तीन चीजें जब होती हैं दोस्तों तब एक जाके एक परफॉर्मेंस बनती है। ठीक है, तो ये जो लोग थे जिनको हम परफॉर्मर बोलते हैं, इन लोगों ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी अपनी। और ये देखिए, खास करके आप भारतीय कल्चर में देखो, परफॉर्मेंस और ये जो कला है इसको कला बोलते हैं हम लोग, चाहे वो डांस रहा हो, हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ डांस, कथक, जो भी आप जिस भी स्टेट से हो, जो भी उसका एक कल्चरल हिस्ट्री होगी, जहाँ पे आप भिन्न भिन्न प्रकार के डांस फॉर्म्स देखोगे, सिंगिंग ओरेशंस देखोगे, तो वो सारी चीजें, हमारा बहुत रिच कल्चर है। खाली हमारी बात नहीं, अफ्रीका के देश, हमारे चाइनीज का बहुत अच्छा ट्रेडिशनल कल्चर रहा है। तो ये परफॉर्मेंस हमेशा से रही है, ये परफॉर्मेंस एंशियंट टाइम से रहे हैं, राजा महाराजाओं के टाइम से, फिर मेडिवल टाइम्स में तो इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई थी। जितने भी बड़े बड़े आप लेखक जानते हैं, कवि जानते हैं, वो सब किसी ना किसी तरीके से एक परफॉर्मर ही थे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ कि जब बर्न कन्वेंशन लाई गई 1886 में, तो इनका ध्यान नहीं रखा गया। अगर आप एक पुस्तक के लेखक को प्रोटेक्ट करने को तैयार हो, अगर आप एक पेंटर को जो पेंटिंग बनाता है उसको करने को तैयार हो, ड्राइंग बनाने वाले व्यक्ति को करने को तैयार हो, तो फिर परफॉर्मर्स ने क्या गलत किया, आप इन लोगों को क्यों नहीं प्रोटेक्शन दे रहे थे। तो इसकी वजह से इनको बहुत लंबा लड़ाई लड़नी पड़ी और दोनों लड़ाई काफी तगड़ी थी, टक्कर की थी, ये वन साइडेड केस नहीं था। परफॉर्मर्स कहते थे कि आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, हम भी तो जब हम देखो कॉपीराइट लॉ क्या प्रोटेक्ट करता है, अगर हम कॉपीराइट लॉ को समझें जिसके लिए बर्न कन्वेंशन बनाया गया, क्या प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट, हर उस चीज को प्रोटेक्ट करता है जो कि दिमाग से बनाई गई है, जो कि मेंटल फैकल्टीज को यूज करके बनाई गई है ना। अब देखिए, ये जो परफॉर्मेंस होती है किसी परफॉर्मर की, क्या उसमें दिमाग इस्तेमाल नहीं होता है, आपकी मेंटल फैकल्टीज यूज नहीं होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना। जब कोई व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल कोई डांसर जब डांस करता है, तो कई सारे डिसीजन लेता है कि मैं ये स्टेप करूंगा, फिर वो मैं वो पोजिशन लूंगा। सेम बात सिंगर की है, वो भी काफी चीजों को जजमेंट करता है कि कब कैसे मैं कौन सा नोट लूंगा, कब तेज गाऊंगा, कब धीमे गाऊंगा। ऐसे एक्टर्स की, सब एक्टर्स की अपनी एक स्टाइल होती है, हर तरीके से। आप एक ही स्टोरी आप 10 लोगों से एक्ट कर पाओगे तो सब में फर्क होगा ना, एग्जैक्टली सेम तो हो ही नहीं सकती, कोई कितना भी कॉपी करने की कोशिश कर ले, क्योंकि स्टाइल अलग है। तो कुछ तो दिमाग लग रहा है ना, बिल्कुल मैकेनिकल तो है नहीं। तो परफॉर्मेंस का कहना था तो दिमाग तो हम भी लगा रहे हैं, हमको क्यों आप एक्सक्लूड कर रहे हो, अगर किताब लिखने वाला दिमाग लगा रहा है।
अगर पेंटिंग बनाने वाला दिमाग लगा रहा है तो हम भी तो लगा रहे हैं, हमें भी कॉपीराइट मिलना चाहिए। पर दूसरी तरफ से दोस्तों जवाब क्या आता था, वो कहते थे दिमाग तो आप लगा रहे हैं, पर एक बुक बुक लिखने वाले व्यक्ति में और एक गाना लिखने वाले व्यक्ति में या फिर एक पेंटर में और आप में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क क्या है, वो बोलते थे जब एक लेखक किताब लिखता है या कविता लिखता है, वो एक ओरिजिनल वर्क, ध्यान से सुनिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कॉपीराइट लॉ में, सारी लड़ाई इसी के बारे में दोस्तों, ओरिजिनल वर्क क्रिएट करता है। जब कोई व्यक्ति पुस्तक लिखता है तो वो एक वर्क क्रिएट करता है, ओरिजिनल वर्क क्रिएट करता है। ऐसे ही जब एक पेंटर पेंट बनाता है, कोई पेंटिंग अच्छी सी बनाता है, तो वो भी कुछ एक चीज क्रिएट करता है जो कि एक ओरिजिनल है। जब कोई किसी गाने के लिरिक्स लिखता है, वो भी एक ओरिजिनल वर्क क्रिएट करता है, ठीक है। पर जब आप परफॉर्मेंस देते हो, जैसे कि जब एक सिंगर गाना गाता है, तो वो कुछ क्रिएट नहीं करता, वो बस वो गा रहा है जो कि एक लिरिसिस्ट ने लिखा हुआ है, जो कि और वही म्यूजिक बज रहा है जो कि एक म्यूजिकल कंपोजर ने पेपर पे लिखा हुआ है, वही। इसलिए आप बस जो लिखा हुआ है या फिर जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हो, उसको आप परफॉर्म कर रहे हो, कुछ क्रिएट नहीं कर रहे। और ये बहुत जरूरी है कॉपीराइट लॉ में कि आप कुछ क्रिएट करो तभी आप उसके ऑथर कहलाओगे। तो ये घमासान था। परफॉर्मेंस कहते थे कि चलो हम ये बात मानते हैं कि जब कोई एक्टर एक्ट करता है तो उसके पास स्क्रिप्ट होती है स्क्रिप्ट, डायलॉग भी लिखे होते हैं, बाकी सारी चीजें होती हैं। पर तो भी अगर इतना ही आसान है कि आपने लिख दिया फिर तो कोई भी उसको परफॉर्म कर दे, तो फिर इतना फर्क क्यों आता है जब एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति उस सेम चीज को करता है। अब मान लीजिए आप किसी भी गाने के लिरिक्स ले लीजिए, अब उसको अरिजीत सिंह गाएगा या फिर मैं गाऊंगा तो फर्क होगा ना। क्यों है फर्क, वो तो वर्क तो वही है, बोल भी वही है, म्यूजिक भी वही बजा देंगे, तो फर्क क्यों आ रहा है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर फर्क इस वजह से आ रहा है क्योंकि उसकी आवाज अच्छी है, उसने शायद गाना सीखा है। जब हम ये टर्म बोलते हैं सीखा है, मतलब उस सीखने की वजह से उसमें कला है, वो कुछ डिसीजंस लेता है, कुछ दिमाग चलाता है जब वो गाना गाता है, ऐसे किसी एक्टर जब वो एक्टिंग करता है, ऐसे कोई डांसर जब वो डांस करता है। अब रेमो डिसूजा डांस करेगा या फिर मैं डांस करूंगा तो फर्क रहेगा ना। अब कितने भी मुझे स्टेप बता लो, सब कुछ लिख दो तो भी रहेगा। और वो खाली टैलेंट का फर्क नहीं है, टैलेंट एक कॉम्बिनेशन होता है। आप अपना टैलेंट कैसे दिखाते हो, आप ऐसे डिसीजंस लेते हो जो और कोई नहीं लेता, और कोई नहीं ले सकता क्योंकि इसमें वो टैलेंट नहीं है। इसलिए परफॉर्मर्स का कहना था कि साहब भले ही हम किसी दूसरे व्यक्ति का वर्क यूज करते हैं, पर जब हम उसको परफॉर्म करते हैं ना, तो हमारी परफॉर्मेंस जो निकल के आती है वो भी अपने आप में एक क्रिएशन है, उससे भी कुछ क्रिएट हो रहा है। मैं अपनी परफॉर्मेंस क्रिएट कर रहा हूँ, आपने वो डायलॉग्स क्रिएट किए हैं, आपने वो लिरिक्स क्रिएट किए हैं, आपने वो स्क्रिप्ट क्रिएट की है, पर परफॉर्मेंस मैं क्रिएट कर रहा हूं, इसलिए मेरा हक होना चाहिए उस परफॉर्मेंस के ऊपर जो इन तीनों से बनती है, और खाली मेरा हक होना चाहिए क्योंकि मैंने उसको क्रिएट किया है। आप अपना राइट रखिए अपनी राइटिंग्स पे, या फिर जो भी चीजें मैंने यूज की हैं मुझे नहीं चाहिए वो, पर जो मैंने क्रिएट किया है वो मेरा होगा। यही परफॉर्मेंस बोल रहे थे, और काफी सारे लोगों को शायद ये बात ठीक भी लग रही होगी अब थोड़ा सा। पर परेशानी दोस्तों खत्म नहीं हुई, खाली आर्गुमेंटेशन से तो कुछ होता नहीं, काफी चीजें। देखो पॉलिटिक्स तो हर जगह चलती है, चाहे आपके देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, पॉलिटिक्स तो एक इनबिल्ट पार्ट है हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। तो वही हुआ दोस्तों, बातें बहुत हुई, हुआ काम बहुत कम हुआ, लोग टालते रहे। कई बार बर्न कन्वेंशन का रिविजन हुआ, 1898 में हुआ, 1908 में हुआ, 1928 में, 48 में, पर हर बार यही डिबेट हुई बट कुछ स्टेप नहीं लिया गया।
काफी परेशानी थी। उनका कहना था कि देखो, एक एग्जिस्टेंस करती है, एक चीज है। लोग मानते हैं कि हमेशा जो लोग ट्रेडिशनल आर्ट्स है ना, जो बेस किताब लिखना, पेंटिंग बनाना, जो हमेशा से माने गए हैं बहुत एक तरीके अपनी कला को दिखाने के, जो हमेशा से बहुत ऊपर दर्जे के रखे गए हैं, उनको ये कोशिश करते हैं लोग ज्यादातर कि वो हमेशा हायर पेडेस्टन पे रहें और जो बाकी की चीजें हैं वो हमेशा उनसे नीचे रहें। और ये बात काफी हद तक दोस्तों सही भी थी। जब 1886 की आप ओरिजिनल ट्रीटी देखोगे, बर्न कन्वेंशन, तो जो चीजें उसमें मेंशन थी, देखो मोर और लेस वही चीजें थी जिनको काफी हाई रिगार्ड में रखा जाता था। बट दोस्तों आज वो सिचुएशन नहीं है, और ना ही 1961 में थी जब रोम कन्वेंशन आई थी। काफी ऐसी चीजें इंक्लूड कर ली गई थी कॉपीराइट की परव्यू के अंदर, जो कि इतनी ज्यादा ट्रेडिशनल नहीं थी या हाई रिगार्ड में नहीं रखी जाती थी। जैसे कि सिनेमेटोग्राफिक फिल्म या मूवीज, ये जो मूवीज होती हैं, ये भी कॉपीराइट रॉ के परव्यू में आ गई थी। कंफ्यूज मत करिएगा दोस्तों, परफॉर्मेंस और मूवीज दो अलग चीजें हैं। मूवीज, जब मैं बोलता हूँ कि मूवीज कॉपीराइट रॉ के परव्यू में आ गई थी, मतलब आपकी पूरी फिल्म, पूरी मूवी, पिक्चर, जो एक पिक्चर होती है ना, वो काफी चीजों को मिला के बनाई जाती है। उसमें सिंगर्स गाने गाते हैं, एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, डायलॉग वाला डायलॉग लिखते हैं, वो सबके काम मिलके एक पिक्चर बनती है। तो उस पूरी पिक्चर के ऊपर कॉपीराइट की आजादी दे दी गई थी, बट परफॉर्मेंस जो है उस पिक्चर के अंदर, उसको दोस्तों राइट नहीं मिला था। ठीक है, तो ये परेशानी रही। और 1961 में फाइनली जाके रोम कन्वेंशन आई, और रोम कन्वेंशन में परफॉर्मर्स के लिए, देखो रोम कन्वेंशन ने 3 लोगों के लिए प्रोविजन बनाई, परफॉर्मर्स के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए। ब्रॉडकास्टर्स आप समझते होंगे, जो आप टीवी पर देखते हैं, आपका डीडी नेशनल होता था, और उस, याद करिए क्या बताया था मैंने आपको, फोनोग्राम प्रोड्यूसर, क्योंकि हम 1961 में हैं, तो जो फोनोग्राम प्रोड्यूसर होते थे उनके लिए। तो इन 3 लोगों के लिए राइट्स एस्टेब्लिश करे गए। पर परेशानी दोस्तों क्या थी, ये कोई जीत नहीं थी यहाँ पे परफॉर्मर्स की, इनफेक्ट दोस्तों ये हार थी, और वो आज तक भुगत रहे हैं इस हार का फल। हार कैसे थी दोस्तों, ये जो रोम कन्वेंशन है ना, ये है तो कॉपीराइट लॉ का पार्ट, पर दोस्तों ये कॉपीराइट्स नहीं प्रोवाइड करते है। तो ये कॉपीराइट लॉ का पार्ट, मैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एरिया में जा रहा हूं, तो थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा। ये जो रोम कन्वेंशन है दोस्तों, ये माना तो यही जाता है कि कॉपीराइट लॉ के साथ पढ़ना चाहिए, कॉपीराइट लॉ के साथ ही इसकी इंपॉर्टेंस है। बट दोस्तों ये असल में कॉपीराइट्स ग्रांट नहीं करती, ये ग्रांट करती है रिलेटेड राइट्स। रिलेटेड राइट्स। अब आप पूछेंगे, सर अभी तक तो कॉपीराइट भी पूरा समझ में नहीं आया, और आपने सर रिलेटेड राइट्स पे पहुंच के अब ये रिलेटेड राइट्स क्या नहीं बीमारी है। देखिए बच्चों, जब ये सारी लड़ाइयां हो रही थी कि परफॉर्मर्स को राइट्स मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ऐसी ब्रॉडकास्टर्स भी लड़ रहे थे, फोनोग्राम्स प्रोड्यूसर भी लग रहे थे, तो एक कंसेंसस बना, और इन्होंने एक तरीका निकाला कि इस अपोजिशन को खत्म कैसे किया जा सकता है। उन्होंने एक तरीका निकाला और बोला, एक काम करते हैं, एक नया सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं, इन 3 लोगों को, परफॉर्मर्स को, ब्रॉडकास्टर्स को, फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स को, कॉपीराइट लॉ के अंदर ना लेके इनको नई कन्वेंशन बना के, जो कि रोम कन्वेंशन बनी, रिलेटेड राइट्स ग्रांट करते हैं। और ये रिलेटेड राइट्स क्या होंगे, ये रिलेटेड राइट्स इंफीरियर होंगे, क्या होंगे, इंफीरियर होंगे किससे, कॉपीराइट से, जिससे कि वो हमेशा नीचे रहें। दूसरी क्या प्रॉब्लम थी इनमें, इनका ड्यूरेशन दोस्तों, जो ड्यूरेशन होगा वो कम रहेगा। रोम कन्वेंशन में स्पेसिफिकली 20 साल रखा गया,
मात्र 20 साल। और मुझे बताने दीजिए कॉपीराइट लॉ का टर्म क्या है, पता है आपको? लाइफ ऑफ द ऑथर, मतलब जिस व्यक्ति ने उस वस्तु को क्रिएट किया है, चाहे वो किताब हो, पेंटिंग हो, उसका पूरा जीवन, उसके मरण के बाद भी 50 साल कम से कम, दिस इज द मिनिमम पीरियड। और देखिए रिलेटेड राइट्स के लिए क्या रखा गया, मतलब जो राइट्स परफॉर्मर्स को दिए जा रहे हैं उनको लिए क्या रखा गया, मात्र 20 साल। तो इसे आप जीत कहेंगे, हार कहेंगे? मैं हार कहूंगा। एक और वजह इसकी, जब ये रोम कन्वेंशन बन गई ना, और एक बार परफॉर्मर्स को जैसे भी सही, रिलेटेड सही, टूटे फूटे, इंफीरियर, ड्यूरेशन कम, जो भी सही, जब ये राइट्स मिल गए, तो फ्यूचर में परफॉर्मर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो जो लड़ाई लड़ रहे थे बर्न कन्वेंशन में इंक्लूड होने के लिए, उसको कंटिन्यू करने का। क्योंकि जब भी वो बात दोबारा रेस करी गई फ्यूचर की कन्वेंशन में, चाहे वो 1967 का रिवीजन हो बर्न कन्वेंशन का, या फिर वो दोस्तों 1917 का रिवीजन रहा हो, जो कि आखिरी रिवीजन था, उसका एक ही जवाब आता था, अब किस बात के राइट चाहिए, अब क्यों आना है आपको कॉपीराइट लॉ में, आप हैं तो, आपके लिए बना तो दी दूसरी टीटी रिलेटेड राइट्स की, अब आप उसी में खुश रहिए। इसलिए ये दो मुआहार थी दोस्तों, एक तो जो हम मांग रहे थे हमें वो मिला नहीं, हमें मिला क्या, रिलेटेड राइट्स जो कि बहुत नीचे थे कॉपीराइट से, और दूसरा जो हमारा लड़ाई थी इतनी लंबी समय से जो चली आ रही थी, 1886 से चली आ रही थी, वो 70 साल बाद लगभग आके इस तरीके से खत्म हुई। तो ये काफी दुखद था और आज भी है। आज इतने साल हो गए 1961 से, आज 2021 में है हम लोग, आज 2021 में भी दोस्तों लगभग लगभग कुछ फर्क हटा देंगे, जो कि मैं फ्यूचर में पढ़ूंगा, कुछ फर्क हटा दें तो सिचुएशन दोस्तों वही है। आज भी परफॉर्मर्स को क्या मिलता है, रिलेटेड राइट्स, नॉट कॉपीराइट। और ये मैं आपको इंटरनेशनल लॉ पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉ, हर एक देश की कुछ अलग पोजीशन हो सकती है, ठीक है? जैसे अमेरिका में सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर है परफॉर्मेंस के लिए, पर ऐसा नहीं है भारत के साथ या फिर यूके के साथ, तो थोड़े बहुत माइनर डिफरेंस हैं, बट मोटा मोटा दोस्तों यही पोजीशन है। और एक और परेशानी है मेरे को, एक और ऑब्जेक्शन है इस सिस्टम के साथ। चलो आपने रिलेटेड राइट दे दिया, आपने इंफीरियर राइट दे दिया, कोई बात नहीं, पर जिस तरीके से आपने किस किस को मिले हैं रिलेटेड राइट्स, हम तीनों कैटेगरी को दोबारा एक बार देखते हैं, किसको मिले हैं नेगेटिव राइट्स? देखो ये रिलेटेड राइट्स को एक और तरीके से बोला जाता है, रिफर किया जाता है नेबरिंग राइट्स, पड़ोसी राइट्स, ठीक है? और पड़ोसी से तो आप हमेशा नफरत ही करते हैं, तो हाँ नेबरिंग राइट्स। देखिए किन किन लोगों को मिला ये, फिर से देखते हैं। परफॉर्मर्स को मिला, ब्रॉडकास्टर्स को मिला, और किसको मिला, फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स को मिला। फोनोग्राम प्रोड्यूसर मतलब जो फोनोग्राम बनाते हैं, इन तीन लोगों को मिला दोस्तों। परफॉर्मर्स हम समझ गए, मैंने आपको शुरू में समझा दिया परफॉर्मर्स कौन होते हैं और उनका कैसे कैसे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन दोनों को समझेंगे। ब्रॉडकास्टर कौन है, फोनोग्राम कौन है? देखो दोस्तों ब्रॉडकास्टर्स वो होते हैं जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो हम अपने टीवी पे शोज वगैरह देखते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, डीडी नेशनल चलता था, ठीक है, स्काई टीवी, ये काफी है, तो ये सारे ब्रॉडकास्टर्स होते हैं। इनका मेन काम क्या है दोस्तों, ये एक चीज है, एक प्रोडक्ट है, जैसे कि एक पिक्चर हो गई, एक टीवी सीरीज हो गई, या फिर एक गाना हो गया, इनका काम क्या है, उसको ये ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, जो कि जो क्रिएटर्स के प्रोडक्ट्स हैं, जो लोग प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, इन चीजों को बना रहे हैं, उनको ऑडियंस तक पहुंचाते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है? फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि अपना पैसा लगा के जो गाने हैं, जो सॉन्ग्स हैं, जो म्यूजिक है, उनको सीडियो में डाल के उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका भी काम मोटा मोटा ब्रॉडकास्टर जैसा ही है दोस्तों। ये भी क्या कर रहे हैं, जो गाने हैं, जो एक क्रिएटर का काम है, उसको ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। तो ये दोनों ही दोस्तों एक तरीके का चैनल है, जो क्रिएटर्स से, जो क्रिएटर जो
काम बनाते हैं, वर्क बनाते हैं, चाहे वो पिक्चर हो, गाने हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, क्रिएटर से उनको ऑडियंस तक लेके जाते हैं, है ना? क्रिएटर से ऑडियंस तक ये वो चीजें लेके जाते हैं। पर दोस्तों इन दोनों के साथ ही बिल्कुल मैकेनिकल चीजें हैं। ब्रॉडकास्ट तो पूरा ही टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, फोनोग्राम प्रोड्यूसर भी वही काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। बट यार परफॉर्मर्स को इन लोगों के साथ पुट करना क्या जस्टिफाइड है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहने की कोशिश कर रही है हमसे कि आप जो परफॉर्मर्स हैं आप कुछ नहीं कर रहे भाई साहब, आपका भी बस यही काम है जो ये दोनों कर रहे हैं? क्या ये कि जो क्रिएटर्स हैं, जो लिरिक्स लिखते हैं गानों के, जो म्यूजिक बनाते हैं, जो कि मूवीज बनाते हैं, जो हजारों चीजें करते हैं, उनको बस आप ऑडियंस तक लेके जा रहे हो, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे। तो जो भी हम बातें कर रहे थे कि जब एक एक्टर एक्टिंग करता है, जब एक सिंगर गाना गाता है, और वो कितनी अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके के डिसीजंस लेके उस प्रोडक्ट पे पहुंचता है, अपनी परफॉर्मेंस को एक पहचान देता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम बस राइट दे रहे हैं, रिलेटेड राइट्स, क्योंकि आप बस एक इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी और जैसे कि एक फोनोग्राम, आप एक कैसेट हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, आप एक केबल का वायर हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ था परफॉर्मेंस के गाल पे कि आप अब अपने आप से पूछिए दोस्तों, सब कुछ भूल जाइए, जो भी मैंने आपको बताया, जो भी आप इससे पहले जानते हैं, सब कुछ भूल जाइए, अपने आप से पूछिए। आप कोई मूवी देखते हैं या टीवी सीरीज देखते हैं या फिर गाना सुनते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? आप कोई भी गाना चुनते हैं या मूवी चुनते हैं, क्यों चुनते हैं, क्या बेसिस पर चुनते हैं? एक बहुत ही डोमिनेंट पर्पस या रीजन हमेशा क्या होता है कि उस पिक्चर में हीरो कौन है, एक्टर्स कौन है। यहाँ जब आप गाना सुन रहे होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि इसको गाया किसने, अरिजीत सिंह का है, मीका सिंह का है, आतिफ असलम का है, व्हाटएवर जो आपको पसंद हो। क्या आपने कभी जानने की भी कोशिश करी कि ये पिक्चर का लिखी किसने है, किसने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है, किसने डायलॉग लिखे हैं? आप तो बढ़ा देते हो उसको। क्या आप कभी आज तक अपने जीवन में कोई पिक्चर देखने गए हो क्योंकि उसके लिरिक्स प्रसून जोशी ने लिखे थे? मैं ये नहीं कह रहा कि उनका टैलेंट कम है किसी तरीके से, है वो बहुत महान है, और वो कॉपीराइट लॉ के अंदर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। मैं तो बस इतने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं या जो परफॉर्मर्स हैं ब्रॉडली, वो भी कम महान नहीं है। इनफैक्ट दे आर द मेन रीजन दैट द पीपल कंज्यूम दीज प्रोडक्ट्स ऑफ आर्ट। पिक्चरें चलती हैं एक्टर्स की वजह से, स्टोरी इंपॉर्टेंट है बट एक्टर भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। कितनी भी अच्छी स्टोरी हो, एक्टर अच्छा ना हो, आप जाते हो देखने? नहीं जाते ना। कितनी भी अच्छे लिरिक्स हो, अच्छा नहीं गाया हो सिंगर ने, आप सुनते हो उस गाने को? तो कितना इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आप ज्यादा इंपॉर्टेंट ना मानो बट कम तो नहीं है ना बाकी लोगों से जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पिक्चर को बनाने में या जो गाना बनाने में। तो फिर ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, ऐसा क्यों है? और अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक एक्टर्स मतलब खाली बॉलीवुड बिग, एक्टर्स मतलब ये खाली बिग बॉलीवुड स्टार्स नहीं होता है दोस्तों। बहुत छोटे छोटे बेचारे गरीब जो अपनी कला के माध्यम से कमाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, वो सफर करते हैं उसकी वजह से। ये बॉलीवुड स्टार्स तो बोल देते हैं भाई कि उनको इतना पैसा चाहिए, और वो इतना पैसा होता है कि काफी होता है उनके लिए, बट एक्चुअली इट इज अफेक्टिंग द पीपल हु नीड इट द मोस्ट। एक सर्कस में काम करने वाला एक्टर, एक छोटे से ड्रामा कंपनी में काम करने वाला एक्टर, ये नुक्कड़ नाटक दिखाने वाला एक्टर, ऐसी सिंगर, इतने स्ट्रगलिंग एक्ट सिंगर्स हैं, वो सफर करते हैं। उनके पास कोई राइट नहीं है, उनके काम को, उनके परफॉर्मेंस को कोई भी चुरा सकता है। 20 साल, 20 साल
क्या होता है 20 साल? व्हाट इज 20 ईयर्स? नथिंग. और स्पेशली व्हेन वी कंपेयर द सेम टू लाइफ प्लस 50, कॉपीराइट का लाइफ प्लस 50, 20 ईयर्स. तो क्या लोग सोच रहे थे जब ये रोम कन्वेंशन बन रहा था? मेरे समझ से काफी हद तक दोस्तों ये बाहर है, और मैं आज भी नहीं समझ पाता हूं कि ऐसा क्यों किया गया. काफी लोगों का ये बोलना है, ये मानना है कि ऐसा इसलिए किया गया कि अगर हम परफॉर्मर्स को राइट्स दे देंगे उसी टक्कर के जो कि किसी और प्लेयर को मिलते हैं जो कॉपीराइट के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है, उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा और जो पैसा है वो काफी हाथों में बट जाएगा और एक्टर्स के पास कंट्रोल आ जाएगा. पर वो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, वो बात बिल्कुल सरासर गलत है. ये कहना, ये लॉजिक लगाना कि एक पिक्चर में तो कई सारे एक्टर्स होते हैं तो क्या आप सबको राइट्स देना चाहोगे? अरे यार, जब आप राइट्स देने की बात करते हो तो वो बात खाली ये थोड़ी ना है कि आप ये कह रहे हो कि उसको मूवीज के ऊपर राइट दे दो. अरे मूवीज तो प्रोड्यूसर की ही रहेगी, लिरिसिस्ट के तो लिरिक्स रहेंगे ही. हम तो ये बस वो बोल रहे हैं कि वो कितना भी छोटा एक्टर हो, कितना भी छोटा सिंगर हो, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसने जो परफॉर्मेंस दी है, उसके ऊपर उसका कंट्रोल होना चाहिए कि कोई उसकी परफॉर्मेंस को उसके बिना परमिशन के एक्सप्लॉइट ना कर सके, यूज ना कर सके. ये तो मिसगाइड करने वाली बात हो जाएगी. ये कह देना कि हाथ बढ़ जाएंगे, कैसे बढ़ जाएंगे? वो तो प्रोड्यूसर, देखो एक मूवी के ऊपर, एक पिक्चर के ऊपर या किसी भी एक वीडियो फिल्म के ऊपर दोस्तों, उसको बनाने वाले का राइट होता है, प्रोड्यूसर का राइट होता है. और जितने भी ये लिरिक्स वगैरह लोग लिखते हैं ना, उनके सारे राइट्स एज फार एज वो पिक्चर कंसर्न्ड है ना, वो प्रोड्यूसर के पास रहते हैं. बट जो उन लोगों का खुद का काम है, जैसे कि लिरिसिस्ट के खुद के लिरिक्स हैं, जैसे कि म्यूजिक कंपोजर का जो म्यूजिक है वो उनके पास रहता है. उन्होंने पिक्चर दे दिया, पिक्चर का प्रोड्यूसर उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, बट उसके अलावा कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता उनसे पूछ के. तो यही तो हम मांग रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए भी. हम कह रहे हैं अगर एक कोई परफॉर्मर, कोई एक्टर अगर पिक्चर में काम कर रहा है तो उसकी एक्टिंग आप यूज करो पिक्चर में. प्रोड्यूसर करेगा यूज, राइट रखेगा अपने सारे. मैं तो कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इश्यू ही नहीं है. बट हम तो बस इतना सा कहना चाह रहे हैं कि उसको अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर तो राइट दे दो. तो दोस्तों यही था, काफी लंबी डिबेट है, अभी ये कंटिन्यू रहेगी. रोम कन्वेंशन के साथ कहानी खत्म नहीं होती है, इनफैक्ट यहाँ से तो शुरू होती है रिलेटेड राइट्स की कहानी. अगले लेक्चर में हम लोग अगली कन्वेंशन जो है इम्पोर्टेंट कन्वेंशन WPPT, वाइपो परफॉर्मर्स एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी, ये 1996 में आई थी दोस्तों. इसने ये जो रिजीम है रिलेटेड राइट्स की और नेबरिंग राइट्स की उसको कंटिन्यू रखा. उसको हम कवर करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसने कुछ अच्छा किया परफॉर्मेंस के लिए या खराब किया, या फिर इसके बाद 1961 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि परफॉर्मेंस का कॉपीराइट क्लेम बन पाया हो, या फिर उन्होंने इस तरफ कुछ कोशिश की. तो ये कुछ सवाल है जो हम अपने अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे. कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं, आपकी ये चीज़ें काम आ रही हैं या नहीं. ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच.